नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल लर्न के प्लस। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी समर टाइम आने वाला है। समर टाइम आ गया है यही सोच के चलिए। तो दोस्तों, इस वक्त में क्या है, जो मधुमक्खियां हैं, बीज है, बीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीज, तो मधुमक्खी, अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मेरे जो बताए गए उपाय है उसको जरूर कीजिएगा एक बार। दोस्तों, ये आपको 100% ऐसा काम देने वाला है कि आपके मतलब इस बार तो मधुमक्खी की एक भी मधुमक्खी नहीं आएगी आपके पास। तो दोस्तों, ये कौन सी जगह पर लगाने के हैं जो मैं उपाय बता रहा हूँ? तो ये उपाय है, जो आप अपने बर्तन साफ करते हैं उसकी जो टंकियाँ होती है, छतों की टंकियाँ होती है, उनके जो नीचे होता है, जहाँ पानी का रिसाव होता है, वहाँ पर ये काम में आ जाता है ये उपाय। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार उपयोग करके देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, पहले आप इसका उपयोग कीजिए। आप मेरे चैनल को ध्यान में रखिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा पहले दोस्तों। अगर आपकी ये ट्रिक काम आ जाए तो ही उसके बाद मैं कि हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है। बाद में ये ट्रिक काम करे तो सब्सक्राइब करना है, वरना मत करना। मैं आपको कोई भी किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी उपयोग किया था। ये मतलब एक बार की जो गर्मी होती है, जो मधुमक्खियाँ होती है, उनको भगाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय साबित हुआ है। और दोस्तों, मैं ऐसे 3-4 वीडियो ला आपके सामने रखने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही मेरे पास में ऐसी ऐसी वीडियो है, ऐसी ऐसी जानकारी है कि क्योंकि मतलब जैसे मसों से खून निकलना, जो मल द्वारा होता है उससे खून निकलना, वैसे वैसे बहुत सारी टेक्निकल उपाय हैं। तो दोस्तों, ये भी एक टेक्निकल उपाय है क्योंकि ये अभी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको सभी के लिए यही दिखा रहा हूँ कि मधुमक्खियों को भगाने के लिए आपके सामने एक बहुत ही कारगर उपाय लेकर आया हूँ मैं, और वो देखकर आपको बहुत चौंकाने वाला। लेकिन इसके लिए आपको कुछ भी किसी भी चीज़ को दुकान से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ओनली आपको इसके लिए एक मतलब आपको इसमें 5 रुपए की सामग्री भी नहीं लगाने की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो आपको इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपने नीम तो देखा होगा, जो नीम का पेड़ होता है ना, नीम का पेड़ जिसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है, नीम जो कड़वा होता है, जो इसकी पत्तियां होती है वो कड़वी होती है खाने में, और इसकी निम्बोली भी आती है। आपने देखा होगा, पहले पहले हरे रंग की आती है, फिर पीले रंग की हो जाती है कुछ समय के बाद, ठीक है? तो इस नीम का आपको नीम आसपास में कहीं भी मिल जाएगा, तो उसकी पत्तियों को ले आइए आप। मतलब उसका जो हमारी जो गांव की भाषा होती है उसको उसमें उसको झूरा कहते हैं, तो पत्तियों का डाली होती है टहनी, तो उसको झूरा कहते हैं। तो आप उस पत्तियों को ले आइए। पत्तियों को मतलब एक आमाम दस्ता होता है जो कूटने का होता है, जहाँ पर हम अदरक को कूटते हैं, उसको ले आइए और उसके अंदर उस पत्तियों को डाल के अच्छी प्रकार से कूट लीजिए, ठीक है? अब उसको अच्छी प्रकार से कूट लेंगे हम, ठीक है? सबसे पहला काम तो क्या हुआ, नीम की पत्ती की आवश्यकता है इसके लिए आपको। दूसरी चीज, आपको इसमें कपूर की आवश्यकता है, ठीक है? कपूर जो आपको मार्केट से मिल जाएगा, 1-2 रुपए का कपूर ले आइए, जो 1 रुपए की आती है, एक पूरी में एक पन्नी में आता है, तो इतना सा आता है, तो उसको ले आइए, 2 रुपए का कपूर होगा आपके लिए। और फिर उसके बाद में क्या है, लेकिन दोस्तों खुला लेकर आइए, 4-5 रुपए का, क्योंकि जो बंदा कपूर होता है ना, वो उसमें क्या है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है, वो एक प्रकार का वो जलता भी नहीं और काम भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपसे यही राय देता हूँ कि आप 5 रुपये वाला लाइए, वो ज़्यादा काम करेगा, उससे आप एक बार की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में आपको करना है कि जो मीठा ऑयल होता है, सरसों का ऑयल होता है, तो वो तो आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि हर घर में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ तक संभव हो वहाँ पर सरसों का ही तेल उपयोग किया जाता है खाना बनाने में। वैसे तो वैसे और भी रिफाइंड हो वैसे, लेकिन आपको इसमें क्या है, मेन चीज़ सरसों का तेल ही उपयोग करना है। अगर नहीं मिले तो आपको दुकान से खरीद लेना है, लेकिन सरसों का तेल ही यूज़ करना है दोस्तों। दोस्तों, ट्रिक 100% काम करेगी, मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा और घंटी के बटन पर क्लिक मत कीजिएगा दोस्तों। अगर ये आपके ये ट्रिक काम में आ जाए तो उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, मेरे चैनल का नाम ध्यान में रख लेना है, इसको सेव कर लीजिए चैनल को, यानी मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में कर लीजिए, या इसको शेयर ज़्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी के काम में आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो ऐसी अगर आपकी काम कर जाए तो इस वीडियो को चारों तरफ अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चारों तरफ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद में क्या करना है, मैं दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। तो दोस्तों, मैंने पहला काम बता दिया आपको, नीम की पत्तियों को सूड़ के मतलब उसको, जो नीम की पत्तियाँ होती है उसको उसको मतलब अलग कर लेना है। फिर आमाम दस्ता आता है कूटने का, मुसल कोई भी कर सकते हैं, पत्थर पर भी बांट सकते हैं, किधर भी बांट सकते हैं, ठीक है? अभी करने के बाद में क्या करना है आपको, उसको बांट के अलग रख देना पहले तो, ठीक है? अब जो ये कपूर होता है, ठीक है,
आपको पूर्व क्या करना है, कूट देना है, ठीक है। अब कूटने के बाद में आपको क्या करना है, और फिर सरसों का तेल हुआ, उसको सरसों के तेल को किसी भी कटोरी, प्याली, भगोनी, किसमें भी लेके आपको उसको गर्म कर लेना, अच्छे प्रकाश गर्म कर लेना है दोस्तों, ताकि उसमें उसकी जो तेल की वो है ना खुशबू वो नहीं आनी चाहिए, यानी अच्छी प्रकार से गर्म हो जाना चाहिए, बहुत गर्म, ताकि जैसे पानी जैसे दिखने लगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या आपको का ये कपूर डाल देना है, जो कुटा हुआ कपूर था उसको डाल देना है, ठीक है। कपूर डालने के बाद में क्या करना है, नीम की पत्तियाँ थी साथ ही साथ पटक देना है दोस्तों, कपूर पटकने के बाद में मतलब 4-5 सेकंड के बाद में नीम की पत्तियों को पटक देना है, उसके उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, जो कटोरी के अंदर है तेल के अंदर डाल देना है। अब तेल के अंदर डालने के बाद में क्या करना है, जो जो तेल का काम था वो उसमें डाल दिया, और जो कपूर था वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसमें, तो थोड़ी देर तक 5-7 मिनट तक मतलब पक जाए अच्छे प्रकार से, उसमें मिक्सिंग हो जाए, उसको अच्छी प्रकार से मिक्सिंग होने देना है। फिर क्या करना है आपको, उसको बंद कर देना है गैस को। अब गैस को बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उसको एक चाल लेना है, कपड़ा लेना है, कोई भी ले लेना है, तो उसके अंदर उसको उसको डाल लेना है, और उसको जो वो नीम की पत्तियाँ थी और सभी सामान थे उसको उसके अंदर कपड़े के अंदर डाल के उसको अच्छे प्रकार से निचो देना है, अच्छे प्रकार से निचोना है दोस्तों। जो पत्तियाँ थी उनके अंदर एक भी रस का टोपा नहीं रहना चाहिए, एक भी मतलब एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए, उसको अच्छी प्रकार से दबा देना है ताकि वो पूरा रस से उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, उसको पत्तियों को फेंक देना है, अलग फेंक देना है, और जो तेल वो बचा रहेगा उसका रस, तो उसका यूज करना आपको, जैसे टंकी के लगा देना, आपकी जो टंकी होती है टोटी होती है वहाँ पर आपने देखी होगी बहुत सारी मधुमक्खियाँ लगी रहती है, तो आप सोचते होंगे कि यार इसका क्या हाल किया जाए, क्या हाल किया जाए। दोस्तों ये बात मेरे को तब पता चली जब मैं एक दिन इसका उपयोग चेहरे पर लगाने के लिए किया किया था मैंने, शायद हो सकता है, तो मैंने दोस्तों इसका उपयोग चेहरे पर तो नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कपूर है, जो कपूर होता है ना, कपूर के बारे में अगर आपको कहीं भी वीडियो मिले कि इसमें मिला के, तो कभी भी चेहरे पर इसका यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होता है और आपके साथ आपकी जो त्वचा हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस जो मैंने ये ट्रिक बताई है इसको लगा के देखिएगा, मतलब आपके 5 मिनट बाद में आपको पता लग जाएगा कि एक भी मधुमक्खी नहीं आएगी, और 5 मिनट में बाद में नहीं, उस मौसम में एक दिन भी मधुमक्खी नहीं आएगी, लेकिन वो सूखना नहीं चाहिए। और आपको पता है कि जो सरसों का तेल होता है, मैंने जो ये सरसों का तेल, इसके बारे में क्यों कहा, क्योंकि सरसों का तेल ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो सूखता नहीं कभी भी, एक बार लोहे पर लग जाता है तो कभी भी सूखता नहीं है। तो दोस्तों एक बार का, एक बार की मतलब एक एक टाइम का जो होता है ना, एक ऋतु होता है ना, उसका तो एक भी मधुमक्खी आने का खतरा ही नहीं है, आप चिंता ही मत कीजिए, किसी टाइम देख लीजिएगा दोस्तों, 5 मिनट बाद में आपको इसका फायदा पता लग जाएगा। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक काम करे तो आप हमारे चैनल पर वापस आइएगा, और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो पूरी वीडियो देख लेगा, और चैनल को फिर बाद में सब्सक्राइब कर देना है, और फिर घंटी के बटन पर क्लिक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना है, और ये बता देना हमें कमेंट में, प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे यही हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि कमेंट में आपका ट्रिक काम करी या नहीं करी। तो दोस्तों मेरे को पता है ट्रिक काम करेगी, लेकिन मैं आपसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हाँ ये ट्रिक काम करी। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप मेरे बोलने से समझ चुके हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ, तो आप हमारे चैनल को म्यारे, मैं आपको कई बार भी मजबूर नहीं करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आपको लगे कि सही बता रहा हूँ तो आप हमारे चैनल को, यहाँ पर साइड में सब्सक्राइब का बटन दिया है लाल कलर का, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर बाद में यहाँ पर इसके पास में एक घंटी का बटन भी दिखेगा, ऐसी घंटी आएगी, तो घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो नया वीडियो अपलोड करेंगे तब तक उसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और साइड में यहाँ पर लाइक का बटन भी दिया गया है, तो यहाँ पर भी बटन को दबा के लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, नीचे स्लाइड करेंगे ना आप तो नीचे कमेंट। दोस्तों आप मेरी भी कोई भी वीडियो देखे कर कमेंट किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो इससे क्या हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी के काम में आ सके, क्योंकि मैं अगर कोई टेक्निकल वीडियो रहती तो मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि टेक्निकल वीडियो ज़्यादा उपयोग नहीं करती, और जो जो ये वीडियो बनाया हूँ मैं वो मतलब इस संसार में हर जगह यूज होती है, क्योंकि मधुमक्खी है तो मधुमक्खी हर जगह होती है, और जो
पानी है, पानी तो हर जगह होता है, तो पानी आएगा तो मधुमक्खी आएगी, मधुमक्खी आएगी तो काटने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड क्लिक बेल आइकन, और शेयर प्लीज माय वीडियो इन योर फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट और बोल बहुत सारे, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। दोस्तों चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता कर लाता रहूँ। दोस्तों अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक और ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एकदम ओरिजिनल होती है, चाहे अगर विश्वास नहीं हो तो आप एक बार यूज जरूर करना दोस्तों। इसके लिए आपको कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने मेरा यूज किया हुआ है, ये क्या है इसमें उल्टा दिखा रहा है, तो सोचो दोस्तों इसमें क्या है, हम जो भी लिखते हैं उसका उल्टा दिखाता हूँ। इसमें नीम की पत्ती के बारे में, कपूर के बारे में, और जो सरसों का तेल उसके बारे में दिया गया। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, देखते रहिए हमारी वीडियो को। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए कीजिए सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन और कीजिए लाइक, और अगर समस्या हो तो कर दीजिए कमेंट। और दोस्तों किस प्रकार की वीडियो चाहिए आपको तो हमें लिख दीजिए नीचे फटाफट से। ठीक है दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।